अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। इस वीक का मेन इवेंट FOMC मीटिंग थी, जिसमें मेन क्वेश्चन ये था कि 25 BPS रेट कट होगा या 50 BPS रेट कट होगा। मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टर जो थे उनके अकॉर्डिंग 50 BPS का जो रेट कट है वो फेड नहीं करेगा, वो या वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। बट फेड ने एक बिग सरप्राइज दिया और 50 BPS का रेट कट किया। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि जो मार्केट की प्रेडिक्शंस थी वो एक्यूरेट रहीं, और जो वॉल स्ट्रीट के जो इन्वेस्टर्स और या जो एनालिस्ट हैं वो रॉन्ग साइड पर रहे। अगर हम US की इकॉनमी को देखें तो बिल्कुल ऐसा ही है कि फेड को 25 BPS से ही रेट कट जो है वो स्टार्ट करना चाहिए था। डेटा को देखकर मेरा व्यू भी यही था, आप जानते हैं, आपके साथ मैंने शेयर भी किया था, जो कि एक्यूरेट साबित नहीं हुआ, तो उसके लिए अपोलोजाइज। बट मैंने आपको क्लियर भी किया था कि ये मेरा व्यू है जो कि गलत भी हो सकता है। रीसेंट 40 ईयर्स में इससे पहले फेड स्टार्टेड विद द 50 BPS जस्ट 2 times। व्हेन नंबर 1 2001 ड्यूरिंग द .com बबल, सेकेंडली 2007 ड्यूरिंग द फिनेंशियल क्राइसिस। इसके अलावा एवरी रेट कट साइकिल जो है वो फेड ने 25 BPS से ही स्टार्ट किया, अनलेस के जब तक इकॉनमी को किसी मेजर क्राइसिस का सामना नहीं था। तो क्वेश्चन ये है कि इस दफा फेड ने फिर 50 BPS का स्टार्ट क्यों लिया, जबकि फेड चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा भी कि इकॉनमी इज स्टिल स्ट्रॉन्ग ओवरऑल, लेबर मार्केट कैन बी मेंटेन, इन्फ्लेशन हैज ईज्ड बट रिमेन्स अबव 2% टारगेट। तो जब आप खुद कह रहे हैं कि इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है, किसी मेजर क्राइसिस का सामना नहीं है, तो देन व्हाई फेड कट बाय 50 BPS? या तो फिर इसका मतलब ये है कि इकॉनमी जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसमें कुछ होल्स हैं जिनको आप जानते हैं, क्योंकि दूसरा जो है पॉलिटिकल जो है वो फैक्टर, वो भी फेड चेयरमैन ने डिनाई किया। तो बहरहाल अगर हम देखें तो फेड मीटिंग का जो रिजल्ट था वो गोल्ड के लिए पॉजिटिव ही रहा, और गोल्ड ने न्यू ऑल टाइम जो है वो प्रीवियस 2600 के आसपास के ब्रेक करके, 2600 भी उस दिन लगाया था लेकिन फ्राइडे को 2625 के न्यू ऑल टाइम हाई लगाकर 2622 पर जो है वो गोल्ड ने वीकली क्लोजिंग दी है। तो नियर टर्म में आप कह सकते हैं कि कुछ रिट्रेसमेंट या प्रॉफिट बुकिंग आपको नज़र आ सकती है, बट ट्रेंड फिलहाल चार्ट के मुताबिक बुलिश ही है। तो गोल्ड को जो सपोर्टेड है, किस भी आपके ये जेन में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज रीज़न जो कि गोल्ड को सपोर्टिव है, तो उनको अगर हम देखें तो वो 3 बड़ी मेजर जो हमें रीज़न जो मुझे नज़र आती हैं, एक तो है कि मेजर सेंट्रल बैंक्स की तरफ से जो रेट कट्स किए जा रहे हैं वो एक सपोर्टिव फैक्टर है। नंबर 2 जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, जो कि आपको पता है इसराइल वगैरह की तरफ से और जो चल रहा है इशू वगैरह। एंड नंबर 3 कि सेंट्रल बैंक्स परचेजेज ऑफ गोल्ड, कि सेंट्रल बैंक जो परचेज कर रहे हैं गोल्ड, ये भी एक बड़ी रीज़न है गोल्ड प्राइसेस के अप ट्रेंड की। तो ये सपोर्टिव फैक्टर हैं गोल्ड प्राइसेस के लिए। बाकी डाटा और न्यूज़ की अपडेट्स के लिए आप मुझको टेलीग्राम फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन वीडियो डिस्क्रिप्शन। व्हाट्सएप ग्रुप के लिए भी डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उस पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने की डिटेल्स जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो चलें एक नज़र नेक्स्ट वीक के कैलेंडर पर डाल लेते हैं, फिर हम चार्ट की तरफ चलेंगे। तो ये है जी मंडे सितंबर 23। अगर हम देखें तो यूरो और जर्मन जोन के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज PMI हैं, फॉलोड बाय ब्रिटेन, एंड शाम को यानी NY सेशन में US के भी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज PMI नंबर्स हैं। ये नंबर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, 2 फेड ऑफिशियल की स्पीचेस भी हैं। ट्यूसडे को बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया का रेट स्टेटमेंट है, अगर आप ऑड में ट्रेड करते हैं। इसके अलावा
कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है यूएस का। वेडनेसडे की बात करें तो न्यू होम सेल्स हैं और क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज हैं। थर्सडे को फाइनल जीडीपी नंबर्स हैं, ये नंबर्स इम्पोर्टेंट रहेंगे, ये ख्याल रखिएगा। इसके बाद फेड चेयरमैन पावल की स्पीक है, ईसीबी प्रेसिडेंट्स की स्पीच है और भी फेड ऑफिशियल की काफ़ी सारी स्पीचेस वगैरह हैं। फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे को कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स है जिसकी फोरकास्ट अनचेंज रहने की है, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट डाटा है, इसका भी ख्याल कीजिएगा। जीडीपी, कोर पीसीआई, न्यू होम सेल्स और मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स जो हैं, पीएमआई नंबर्स, वो मेन नंबर्स रहेंगे नेक्स्ट वीक के लिए। अब हम चलते हैं जी 4H के चार्ट पर, ताकि हम बड़े टाइम फ्रेम को भी कवर कर लें और H1 वगैरह को भी कवर कर लें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सपोर्ट एरियाज कौन से हैं जहाँ पर अगर प्राइसेस दोबारा रिट्रेस होती हैं तो आप वहाँ पर बाय की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो पहला जो सपोर्ट एरिया है वो 2600 से 2602 का एरिया है, मैं लिख भी रहा हूँ साथ साथ ताकि आपको आसानी रहे। ठीक हो गया जी, फॉरवर्ड बाय, फॉरवर्ड बाय 2590 2585, ठीक है जी, क्लोजली फॉरवर्ड भी आप कह सकते हैं, कुछ ज़्यादा दूर ये स्पोर्ट एरियाज नहीं हैं, ये भी साथ साथ इसके एरियाज हैं 2590 2585। इन दोनों में जो स्ट्रोंग एरिया, ज़्यादा स्ट्रोंग एरिया है वो 2590 2585 का है। ठीक है, ये वाला एरिया ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस एरिया से, तो यहाँ पर जो है वो अगर आपको प्राइसेस मिलती हैं तो आप माइनर एसएल के साथ बायस की एंट्री ले सकते हैं। ऑन द अदर साइड अगर प्राइसेस ये एरिया ब्रेक कर देती हैं, ठीक है, तो फिर आप डाउन साइड को जो है वो टारगेट कर सकते हैं। कहाँ तक वो मैं भी आपको बता देता हूँ, वो मैं लिख कर बता देता हूँ आपको जी। फिर डाउन साइड पर आप इन एरियाज को टारगेट कर सकते हैं। कौन से एरियाज हैं, ये हैं जी 2570-72 का एरिया है और 2560 से 2555 का एरिया है, 2560 से 2555 का एरिया, मैं एरो से भी आपको ये आपके पास डाउन साइड पर जो है ये वाले लेवल्स हैं। अब अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो फर्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस तो आपको पता है कि जो हाई है 2625 का जो इसने लगाया है वही है, लेकिन इससे अबव जो लेवल्स हैं वो कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। रेजिस्टेंस लेवल जो फेस करना पड़ेगा वो 2635 का पहला है, 2650 का सेकंड है और 2665 के आसपास का तीसरा लेवल है। ये वाला जो लेवल है यानी 2665 वाला, ये हमारा वीकली का जो है वो रेजिस्टेंस लेवल भी रहेगा। वीकली सपोर्ट क्या है वो हम देख लेते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, आपके लाइक करने से चैनल को जो है वो सपोर्ट मिलता है। ठीक हो गया जी, तो ये इस तरह कुछ है, लेकिन एंट्रीज यही हैं कि अगर आप मार्केट डिप करती है तो आप बाय साइड पर रहें और ये वो लेवल्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि वीकली रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमारा क्या रहेगा। वीकली जो रेजिस्टेंस है हमारा वो है जी 2665 का, सपोर्ट है, सपोर्ट थोड़ा सा दूर है, सपोर्ट है 2497 का। ठीक है जी, ट्रेंड है इसका पॉजिटिव, वो तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। शॉर्ट टर्म में आप कह सकते हैं जैसा कि मैंने पहले कहा कि प्रॉफिट बुकिंग वगैरह हो सकती है, लेकिन मेन ट्रेंड गोल्ड का जो है वो फ़िलहाल बुलिश बना हुआ है। बहुत शुक्रिया।